नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सहरी मछली। ये देखिए, मैंने सहरी मछली ली है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है सहरी मछली। तो आज हम यही रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये मछलियाँ ज़्यादातर तालाबों में पाई जाती हैं, नहरों में, गड्ढों में, जहाँ ज़्यादातर पानी भरा रहता है वहाँ ये पाई जाती हैं। मौसम में हर जगह पानी भरा रहता है तो बहुत ही आसानी से ये पाई जा सकती हैं। ज़्यादातर बारिश के मौसम में ये हमको बहुत ही ज़्यादा मिलती रहती हैं। धान के खेतों में भी पाई जाती हैं, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है तो वहाँ भी पानी भरा रहता है, तो ये पानी के बहाव में ज़्यादातर खेतों में भी आ जाती हैं, तो ये आसानी से मिल जाती हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। ये देसी मछली है, देसी सहरी मछली। तो आज हम यही रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसको धुलने में भी टाइम लगता है। पहले हम इसको अच्छे से छाँट लेंगे, यानी कि जो ख़राब मछलियाँ हैं उनको हटा देंगे और जो सही हैं या खरपतवार जो है उसको हम साफ़ करके फिर अच्छे से इसको धुलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको धुल लेते हैं। आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, कैसे हम धुलते हैं इसको हम बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि इस मछली को हम कैसे धुलेंगे, कैसे बनाएंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ मछलियाँ निकाल दी है। एक केवाई मछली है, हमारे यहाँ इसको किरही मछली बोलते हैं। तो हम लोग इसको नहीं बना के खाते हैं, इसलिए हम इसको अलग कर लिए हैं, इसको हम नहीं बनाएंगे। इसमें मछली को हम धुलने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये एकदम चिकना फर्श नहीं है, ये थोड़ा सा ये खुरदरा फर्श है। तो इस पर हम धुलेंगे ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए। इसमें जो ऊपर का सेलहर लगा रहता है, ये देखिए जो ऊपर का लगा रहता है ये सेलहर, इसको हम इसी पर रगड़ेंगे तो ये साफ हो जाएगी। तो ऐसे हम इसको रगड़ के धुलते हैं। देखिए इसमें कितना सारा सेलहल निकल रहा है, जो ये ऊपर का रहता है ये निकल रहा है रगड़ने से। दोस्तों, ठंडियों में ये मछली खाना चाहिए, ये बहुत ही पौष्टिक होती है। देखिए मछलियाँ हमारी साफ़ हो रही हैं और इसमें ये बहुत ही काला काला ऊपर का निकल रहा है। ये देखिए इस तरह का ये गंदगी है ऊपर की, ये निकल जा रही। अभी देखिए ये एकदम सफ़ेद हो जाएंगी मछलियाँ हमारी, जो हम रगड़ के इसको अच्छे से धुलेंगे तो देखिएगा आप कैसे साफ़ हो जाएंगी। अभी इस तरह दिख रही हैं, लेकिन धुलने के बाद आप देखिएगा इतना साफ़ हो जाएंगी कि लगेगा नहीं कि इसमें इतनी सारी गंदगी निकली है। बहुत इसको साफ करना पड़ता है। एक बार इसमें हम पानी ना लेंगे तो जो है साफ हो जाएगा जो छूटा हुआ है। फिर इसको हम दोबारा रगड़ के धुलेंगे। ये देखिए मछलियाँ हमारी इतनी साफ हो गई हैं। एक बार इसको हम रगड़ के फिर धुल लेंगे। अब हम फिर से इसको रगड़ के धुल लेंगे। अगली बार देखिएगा मेरी मछली अच्छे से साफ हो जाएंगी। थोड़ा बहुत इसमें लगा हुआ है और बाकी सारा साफ हो चुका है इसमें। दोस्तों, इसको हम ज़्यादा मतलब दबा के नहीं धुलते हैं, एकदम हल्के हाथों से धुलते हैं, वरना मछलियाँ हमारी कट जाएंगी और धुलेंगी भी नहीं। तो इसलिए हम थोड़ा हल्के हाथों से इसको हम धुल रहे हैं। ज़्यादा आप दबा के मत इसको धुलना, अभी कभी भी धुलना तो आप लोग। तो इसी अब ये देखिए हमारी मछलियाँ साफ भी हो चुकी हैं, जो इसमें लगा था वो साफ हो जाएगा। अब ये पानी से धुल देंगे तो देखिएगा। तो आइए इसको हम एक थाली में रख लेते हैं। अब इसमें हम पानी डाल के धुलेंगे। देखिए ये थाली हमारी छोटी है तो हम एक बड़ी थाली में धुलेंगे इसको। अब ये जो मछली है इसको हम धुल धुल के इसमें रख ले रहे हैं। ऐसे हम 5-6 पानी, लगभग 1 बाल्टी पानी तक हम इसको इसे 3-4-5 बार ऐसे धुलना है। जितना धुलेंगे आप उतने अच्छे से ये साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि हम जितनी बार धुलेंगे
गंदगी इसी तरह निकलती है। ये देखिए ऐसे साफ हो रही है, एकदम साफ हो चुकी है हमारी मछली जो है, ये हल्का हल्का गुलाबी जैसे दिख रही है। धुलने पे इसमें जो चिपका रहता है सेलहर इसका, वो निकल जाता है। ये देखिए निकल रहा है, इसी तरह हम धुल ले रहे हैं। देखिए ये धुल चुकी है हमारी मछली, ये देखिए एकदम से ये सफ़ेद हो गई हैं, हल्का हल्का ये गुलाबी कलर जैसी हो गई हैं, अच्छे से ये साफ़ हुई हैं। तो अब फाइनली ये धुल चुकी हैं, तो हम इसको फिर से पानी से निकाल के थाली में रख लेंगे। देखिए दोस्तों मछली बनाने के लिए हमने ये मसाले लिए हैं, ये मैंने लिया है खड़ा धनिया, लहसुन और ये सरसों खूब सारा लिया है। सरसों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, सरसों हमें ज़रूर डालना चाहिए। और ये अदरक का टुकड़ा है, दो मैंने लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा जीरा लिया है और थोड़ी सी ही काली मिर्च ली है, क्योंकि इसमें मसाले नहीं पड़ते हैं, आप डालना चाहें तो थोड़ा बहुत डाल सकते हैं स्वाद के लिए, बाकी इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए अब इसको हम सिलबट्टे पे पीस लेते हैं। देखिए मसाला हमने पीस लिया है, ये देखिए, और इधर मैंने तड़का लिया है, लहसुन लिया है और प्याज काट लिए हैं, मैंने दो प्याज काटा है, लहसुन लिया, इसमें लहसुन ज़्यादा पड़ता है तो ज़्यादा इसमें लहसुन यूज करना चाहिए, धनिया भी मैंने काट लिया है। इधर देखिए हमारी मछली भी धुल चुकी है, तो फाइनली हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। तो आइए हम अब बनाते हैं इसको। तो आइए हम मछली को एक दूसरे बर्तन में रख लेते हैं, इसमें जो पानी है थोड़ा बहुत निकला है उसको हटा देते हैं। अब मछली में हम सारी चीज़ें मिलाएंगे, तो मछली में हम सारी चीज़ें मिलाएंगे, तो ये मसाला जो पिसा हुआ है इसको भी हम डाल दे रहे हैं। डालेंगे हम हल्दी पाउडर, अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और डालेंगे इसमें मैंने हरा धनिया मिला दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे, ये जो मसाला हमारा है वो मछली में अच्छी तरह मिल जाए, एकदम अच्छे से मिलाएंगे इसको हम। इस तरह बनाएंगे दोस्तों तो काफ़ी टेस्टी मछली आपकी भी बनेगी। एक बार इस तरह आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। गांव में हम इस तरह बनाते रहते हैं मछली, और इसी तरह सेम बनाते हैं गांव के लोग, इसमें ज़्यादा मसाले की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सामग्री की भी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन काफ़ी टेस्टी मछली बनेगी हमारी। देखिए मसाले को मैंने अच्छे से मछली में मिला दिया है, तो आइए हम आगे अब तैयारी करते हैं, इसको रख देते हैं। मछली को हम इंडक्शन पर बनाने जा रहे हैं दोस्तों, तो आइए हम इसको ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी तो हम इसमें तेल डालेंगे, हम लोहे की कढ़ाई ले रखे हैं इसे बनाने के लिए। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है तो इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल, मछली को हमें सरसों के तेल में ही बनाना चाहिए। देखिए सरसों का तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें धुआं जैसा आने लगा है, तो हम इसमें डाल देंगे ये लहसुन, अब इसमें हम डाल देंगे ये प्याज। दोस्तों तड़के को हमें सुनहरा होने तक इसको पकाना है। देखिए तड़का हमारा जो है सुनहरा हो चुका है, तो हम गैस को इसको हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। तो इसमें हम डालेंगे ये मछली,
मछली को हमने डाल दिया है, तो इसको हम हल्के हल्के चला लेंगे, ज़्यादा तेज़ इधर उधर नहीं करेंगे, वरना ये मछलियाँ चिपक के पकने भी लगती हैं। तो इसको हम हल्के हाथों से ऐसे मिला लेंगे, जो तेल है, जो तड़का हमारा है, इसमें ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, ये अच्छे से मिल भी गया है, दो बार भी मैंने इसको चला के अच्छे से मिला दिया है। अब इसको हम ऐसे फैला लेंगे, एक जगह हमको इसको रख के नहीं पकाना है, थोड़ा ऐसे फैला के पकाना है, ताकि जो मछलियाँ हमारी बराबर से पक जाएं। ऐसे हम फैला देंगे इसको। देखिए, मछली को इस तरह चारों तरफ हमें फैला लेना है। अब इसको हम ढक के पकाएंगे, इसमें अभी बहुत सारा पानी छूटेगा। देखिए, इसमें पानी भी छूटने लगा है, तो हम इसको अब ढक देंगे, पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। अभी इसमें बहुत सारा पानी निकलेगा, हम आपको अभी दिखाते हैं। इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, वरना मछली नीचे जल जाएंगी और ऊपर पकेंगी भी नहीं, तो इसलिए हमें इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही इसको पकाना चाहिए। आइए दोस्तों, इसको हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें कितना पानी छूटा हुआ है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही पका रहे हैं, धीमी धीमी आंच में। जब हमारा पानी अच्छे से सूख जाएगा तो हमारी मछली पक जाएगी, समझ लेना, पक जाएगी। इसमें बस तेल ही तेल दिखेगा, पानी बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो समझ जाना चाहिए कि हमारी मछली अच्छे से पक गई है। इसको फिर से हम ढक दे रहे हैं। तो आइए हम इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, यह इसमें का जो पानी है पूरी तरह सूख गया है। देखिए, इसमें तेल तेल सिर्फ दिख रहा है और मछली हमारी पक चुकी है। जब इसमें का अच्छे से पानी सूख जाए, इस तरह तेल तेल दिखने लगे, ये देखिए, तो समझ लेना ये मछली हमारी पक चुकी है। और इसको ऐसे ढक्कन से ढकना कि वो खुली ना रहे, एकदम बंद रहे, अच्छे से धीमी आँच में, एकदम भाप में पके अच्छे से, तभी हमारी मछली टेस्टी लगती है। और ये पूरी तरह से पक चुकी है, तो आइए हम इसको अब बंद कर देते हैं। इंडक्शन को हमने बंद कर दिया है, तो आइए अब हम मछली को निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। और इसको सावधानी से निकालना है, वरना ये मछली टूट जाती हैं, और टूटी हुई मछली एकदम मिक्स हो जाती हैं कांटे जैसे, तो इसलिए हमें सावधानी से इसमें निकाल लेना है प्लेट में। अभी थोड़ी देर में ये आसानी से इसमें से निकलने लगेंगी, क्योंकि अभी गरम गरम है, तो हम निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे, तो इसलिए हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं इसको। ये देखिए, ऐसी बन के रेडी हो चुकी है हमारी मछली, सहरी मछली हमारी ये। दोस्तों, ये मेरी सहरी मछली की वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की है, और एक बार आप ज़रूर इस तरह बना के देखिएगा। एकदम ये देसी तरीका है सहरी मछली बनाने का, और बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरीके से बनाइएगा आप, ना इसमें कोई मसाले का खर्च ज़्यादा है, ना ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बस वही धुलने में समय लगता है, बाकी ये बनने में बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो अगर वीडियो आपको अगर पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।